शर्म इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। शर्मीले लोग ना ही लोगों के बीच में रह पाते हैं, ना ही लोगों के बीच बात कर पाते हैं। अगर आप भी शर्मीले हो, आपको भी लोगों के बीच घुलने मिलने में तकलीफ होती है, तो ये वीडियो पूरा देखना, आपकी लौट लगने वाली है। सबसे पहले तो शर्मीला होना, शर्म होना कोई बुरी बात नहीं होती, ये नेचुरल होता है। शर्म सभी के अंदर होता है, कम या ज्यादा। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों के सामने शर्माते हो? क्या आप अपने दोस्तों या जान पहचान के लोगों के सामने शर्माते हो? क्या आप अनजाने लोगों से शर्माते हो? या क्या आप किसी एक लड़की या लड़के के सामने शर्माते हो? इनमें से आप कोई भी हो, वीडियो सबके लिए है। देखो शर्माना नेचुरल होता है और ये एक गुड साइन है कि आप शर्माते हो। अगर आप लड़की पटाना चाहते हो तो आपका शर्मिलापन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक तो लड़की ये सोचेगी इसमें कौन सा एटीट्यूड है, जहाँ सारे लड़के हमारे पीछे हाय हाय करते फिरते हैं, हमसे बात करने के लिए तड़प जाते हैं, हमारी एक झलक एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान हथेली पर ले लेते हैं, ये बंदा तो मुंह ही नहीं लगाता। दूसरा, शर्मीले लोग ईमानदार लगते हैं। ज्यादा चटरपटर करने वाले लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं और लड़की को साइलेंट बंदा उड़ा ले जाता है। लड़की को ये लगता है कि ये बंदा किसी से बात नहीं करता, सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी स्पेशल हूँ। लड़की खुद को स्पेशल फील करती है। लड़कियां तो उस बंदे से बात ही नहीं करती जो हमेशा अवेलेबल रहता है, जो उनसे बात करने के लिए तड़प जाता है, जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। लड़कियां शर्मीले लड़कों को ईमानदार समझती हैं। वैसे शर्मीलेपन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले आपको नहीं बताना है कि आप शर्मीले लड़के हो या आपको शर्म आ रही है। ज्यादातर लड़के खुद ही बोल देते हैं। याद रखना, जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको शर्म महसूस हो तो पहले लड़की के चेहरे की ओर देखें, फिर नजर को हटाकर किसी और तरफ देखें या दूसरी तरफ देखें, और ये सब स्लो मोशन में करना है। कोई दूसरे टॉपिक पर बात करो, हंसी आए या डर लगे तो अपना वॉइस टोन नॉर्मल रखो, माहौल को लाइट करने की कोशिश करो, अपने मन में बोलते रहो कि ऐसा होता है, कोई बात नहीं। कोई भी एक्टिविटी या शाइनेस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। लोगों को पता चलने दो कि तुम कैसे हो, सिर्फ बताना नहीं है कि तुम शाय हो। ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे, सामने वाले को जो सोचना है सोचने दो। एनालाइज करो तुम्हारे अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है। जब भी तुम्हें शाइनेस महसूस हो वो एक्टिविटी करो, जैसे बात को पलट देना, जोक्स या कोई डरावनी बातें करो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिनके सामने तुम्हें शर्म महसूस होती है, ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे किसी से फ्रेंडशिप करो जो महाबेशरम हो या डेयरिंग हो। अपना एक पंच लाइन रेडी करो, जब भी शर्म महसूस हो वो पंच लाइन बोल दो, जैसे रहन दे यार होता, हम कौन सा मरे जा रहे हैं, बाप को मत सिखा। ये लाइन्स थोड़ा गलत साउंड करता है, पर ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। ये लाइन्स बोलने के बाद आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। शर्मीले लड़के ऐसे होते हैं जो पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि मुझे शर्म आएगी या कुछ गलत होगा। वो कुछ भी सोच लेते हैं और बैठ जाते हैं। नहीं, देखो माहौल जैसा भी हो हमें बदलाव का सामना करना आना चाहिए। सिर्फ सोचकर मत बैठो, करके देखो। देखो तुम्हें किस बात पे शर्म महसूस होती है, कौन सी बात में तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, इन सारी बातों का लिस्ट बनाओ और एक एक बात पर प्रैक्टिस करो और इसे कम करो। इन सारी बातों को अगर ध्यान दोगे तो देखोगे तुम्हें धीरे धीरे शाइनेस से बाहर आ रहे हो। अब तुम किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो। लड़कियों से बात करने में मुझे हिचकिचाहट महसूस होती थी। मैंने इसे दूर करने के लिए एक तरीका अपनाया, एक न्यू प्लेस ढूंढा और वहां जाकर एड्रेस पूछने लगा, जैसे श्रद्धा टाइपिंग कहाँ पर है, हनुमान मंदिर कहाँ है, हाईवे के लिए शॉर्टकट क्या है। मैं बात करता था और यकीन मानो लड़कियां भी इंटरेस्टेड होती थी मुझसे बात करने में।